बरजान वर्मन है वो कह रहे हैं प्रभु जी गणेश जी की साधना कर रहा हूँ लेकिन सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है। भाई सिद्धि गणेश जी बिचारे कहाँ कहाँ जाएं, उसका भी एक उपाय है। ये तो विनोद में हम कह रहे थे, बुधवार के दिन 108 दूर्वा की माला बना करके ओम गम गणपतये नमः, रात्रि मध्य रात्रि में भगवान गणेश पारद के गणेश जी आप अपने घर पर रखिएगा। पारद के गणेश जी का अभिषेक करने के बाद में दूर्वा की माला आप भगवान गणेश को चढ़ाइएगा। और यह प्रयोग अगर आप 40 दिन तक लगातार करते हैं तो रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी। गणेश जी ना मिले तो उनकी घरवाई से दीक्षा लेगी है। वो कह रहे गुरु जी मेरी प्रार्थना भगवान तक कैसे पहुंचेगी, बहुत मेहनत करने के बाद भी। मोबाइल से तो नहीं पहुंच सकती क्योंकि उन्होंने अभी डिजिटल नहीं खोला होगा भाई वहां से। अभी ऊपर से हमें ऐसा कोई लाइव सेशन नहीं मिला है कि भगवान के यहाँ से चल रहा हो कि ये सत्यलोक से लाइव चल रहा है संस्कार टीवी चैनल पर या बागेश्वर धाम चैनल पर, अथवा फिर ऐसा कोई आपके पास ऐसा। तो मोबाइल से भगवान से प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। अगर आप मार्गदर्शन पूछना चाहो तो भगवान बाहर नहीं है, भगवान अंदर है। और भगवान से भगवान तक प्रार्थना पहुंचाने के लिए हमारी दृष्टि में, अब आप क्या मानते हो आप क्या सुनते हो ये आपका विषय, पर मेरी बहन ना हमारी दृष्टि में आंसू से बढ़िया कोई माध्यम नहीं। बढ़िया संदेशा पहुंचाने का काम आपके नेत्रों की सजलता, नेत्रों की भाव विह्वलता, नेत्रों की ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु ही उस परमात्मा रूपी सागर तक पहुंचा सकते हैं। वो क्योंकि अथाह है, वो भीतर भरा पड़ा है। तो ये बूंद, ये बिंदु, आंसू मतलब उसके लिए तड़पना, उसमें डूब जाना। हमने एक सूत्र बहुत पहले कथा में दिया था और कई बार हम बोल देते हैं, भगवान खोजने से नहीं मिलते, भगवान में खो जाने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो आप अपनी प्रार्थना के लिए तड़पन को प्रकट करो, पहुंच जाएगी।